Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha S Academy's Agriculture Series. We are at the lecture 2 and today we shall be covering some more topics that is major crops, cropping patterns, you know, various parts mein, total cropped area kya hota hai. अब देखो टोटल क्रॉप एरिया मैं आपको सारे क्रॉप्स का बताते हुए चलूँगा, बट देन आप हर किसी का याद नहीं रख सकते, बट देन आप राइस का, वीट का, इन सब का याद, दो चीज़ों का तो याद रख के लेना. तो टोटल क्रॉप एरिया होता क्या है बेसिकली, कि आपका जितना क्रॉप, जितने एरिया में वो क्रॉप लगाया जा रहा है उससे. ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं बेसिकली क्रॉप क्लासिफिकेशन से. तो देखो यार, क्रॉप्स को क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है. तो बेसिकली क्लाइमेट पे देखें अगर, तो दो टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एक इंडिया में क्या वर्ल्ड वाइड ही होते हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट. तो बेसिकली ट्रॉपिकल क्या हो गया आपके, जो आपके वार्म एंड हॉट क्लाइमेट में हो गएंगे. ठीक है, वार्म एंड हॉट क्लाइमेट में हो गएंगे. ठीक है, जैसे आपका राइस, शुगर केन, ज्वार. ठीक है, देन आपके होते हैं टेम्परेट. टेम्परेट क्या होते हैं बेसिकली, वो कोल्ड, थोड़ा सा कूल क्लाइमेट में उगते हैं. उनके एग्जांपल कैसे हो गए, जैसे आपका वीट है ना, ओट्स, ग्राम, पोटैटो. ठीक है, देन अगली जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली वो है ऑन द लाइफ ऑफ क्रॉप्स या ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स, कि भाई कितने समय में उगेंगे वो. तो एक तो होते हैं आपका सीजनल क्रॉप्स. देखो सीजन का जो है, सीजन किसी क्रॉप का हर सीजन जो होता है वेरी करता है. कुछ 3 महीने में उग जाते हैं, कुछ 4 महीने में उगते हैं, कुछ 6 महीने में उगते हैं, कुछ 9 महीने में उगते हैं. ठीक है, तो वो उनका एक सीजन होता है. ठीक है, एक पूरा सीजन लेते हैं. तो सीजनल क्रॉप हो गए कि वो जो है एक पूरा सीजन लेते हैं अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए. इसमें आपके आ जाएंगे राइस, ज्वार, आपकी वीट, ये इस कैटेगरी में आ जाती है. देन टू सीजनल क्रॉप्स की बात करूँ मैं, तो टू सीजनल क्रॉप्स हो गए आपके जो बेसिकली 2 सीज़न लेते हैं, भाई एक सीज़न नहीं 2 सीज़न लेते हैं उगने में. तो बेसिकली 6 महीने का हम एक रफली एक एस्टिमेट मानते हैं इंडिया में, कि 6 महीने का एक सीज़न होता है. तो 2 सीज़न लेते हैं, जैसे कॉटन हो गया, टर्मरिक हो गया, आपका जिंजर हो गया. ठीक है, टर्मरिक क्या हुआ आपका, हल्दी. जिंजर क्या हुआ आपका, अदरक. देन एनुअल क्रॉप्स, एनुअल क्रॉप्स क्या होते हैं बेसिकली, ये 1 साल लेते हैं पूरा ग्रो करने में. ठीक है, इसकी एग्जांपल क्या हो गया, शुगर केन. देन बाइनियल क्रॉप्स क्या हो गए, जो 2 साल लेंगे. ठीक है, तो ये बाइलियन क्रॉप्स हो गए, 2 साल जो लेते हैं, जैसे बनाना, पपाया. देन पेरिनियल क्रॉप्स मतलब जो 12 मासी क्रॉप होते हैं, जो हमेशा लगे रहते हैं या जो अपने टाइम से उग जाते हैं. जैसे मैंगो जो है बेसिकली एक टाइप का पेरिनियल क्रॉप है, वो हर साल एक गर्मियों में उगना ही उगना है. फ्रूट्स हैं बहुत सारे, गुआवा है, तो वो बेसिकली अपने टाइम पर उग जाते हैं. ठीक है, देन अगली जो क्लासिफिकेशन है वो ग्रोइंग सीजन पर है. थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात करते हैं वही आपका खरीफ, रबी एंड जैद. ठीक है, खरीफ और रवि के बीच में जैद उगाया जाता है बेसिकली, इंटरवीनिंग टाइप का क्रॉप होता है, छोटी सब्जियां वजियाँ उसमें उगाते हैं. तो खरीफ देखो, जैसे ही याद आएगा देखो, तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैं तो उसको ऐसे याद रखता हूँ कि खरीफ मतलब आपका गर्मी. ठीक है, या हॉट क्लाइमेट चाहिए, या बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, रेनफॉल. ठीक है, रवि कैसे होगा, थोड़ा सा कूल क्लाइमेट. बट देन जो रवि वाले क्रॉप्स होते हैं ना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वीट. उनको अच्छी खासी सनशाइन चाहिए होती है जब वो बेसिकली राइपनिंग के टाइम पे, जब उनकी तुड़ाई होनी होती है या जब उनकी जुताई होनी होती है, जब उनका हार्वेस्ट का टाइम आता है ना बेसिकली, तब उनको जो है आपका ब्राइट सनलाइट चाहिए होती है. ठीक है, अब बात करें अगर हम खरीफ की, तो ये बेसिकली जून से सितंबर के बीच में उगाया जाता है. अब ये जो है ये नॉर्दर्न स्टेट्स में है. देखो होता क्या है बेसिकली, कि नॉर्दर्न और साउदर्न में आपको पता है, क्योंकि सदर्न में जो है बेसिकली ओशन पास है. ठीक है, ओशन पास है. ओशन पास होने की वजह से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी नहीं करता इन एरियाज़ में. ठीक है, यहाँ पे जो एनुअल या डेली का जो वेरिएशन या एनुअल वेरिएशन अगर टेम्परेचर की बात करूँ मैं, तो सदर्न स्टेट्स में जो है वो बड़ा कम रहता है. ठीक है, तो बेसिकली वहाँ आप 12 मासी, अब आप मुंबई चले जाओ, वहाँ आपको दिल्ली में आप रहोगे तो आपको गर्मी भी मिलेगी और सर्दी भी मिलेगी. बट देन आप मुंबई चले जाओ, आपको वहाँ लगभग लगभग गर्मी ही मिलेगी. भाई ठीक है, हो सकता है 2-4 डिग्री का टेम्परेचर कम हो जाए, बट देन आपको वहाँ गर्मी मिलेगी ही. तो एक टाइप का यूनिफॉर्म क्लाइमेट है सदर्न स्टेट्स में. तो सदर्न स्टेट्स में जो है बेसिकली कुछ क्रॉप्स तो ऐसे हैं जो 12 मासी उगते हैं, हर सीजन में उगते हैं. जैसे राइस, राइस आपका वहाँ खरीफ में भी उगेगा, रबी में भी उगेगा और जैद में भी उगेगा. उसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल है वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल में चले जाओ आप, वो 1 साल में 3
फसल उगाते हैं राइस की, जिसको हम ऑस अमन और बोरो भी बोलते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ अगर आप देखें। ठीक है, आप अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो खरीफ में या जब बारिश हो रही होगी या गर्मियों में क्या होगा, राइस, कॉटन, बाजरा, मेज़, रागी। देन अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें उस टाइम तो राइस, मेज़, ज्वार, तूर, ग्राउंडनट, ये सब उगेंगे। ठीक है, सदर्न स्टेट्स में सर्दियों में भी वही उगेंगे, बट देन नॉर्दर्न स्टेट्स में क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, ठंड ज़्यादा होती है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा, तब आपकी वीट आ जाएगी, ग्राम, रेप सीड्स, मस्टर्ड, बाले भाई। ठीक है, तोड़िया, रेप सीड्स किसे बोलते हैं, तोड़िया सुना है आपने, तोड़िया होता है रेप सीड्स, एंड मस्टर्ड क्या होती है, सरसों। ठीक है, बारले तो आजकल सब खा ही रहे होंगे, सब आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं क्योंकि। देन जैद जो होता है वो थोड़ी इंटरवीनिंग पीरियड में होता है, वो अप्रैल से जून के बीच में उगाया जाता है, इसमें बेसिकली फ्रूट्स, चारा वगैरह, वेजिटेबल्स ये उगाई जाती हैं, वो सेम ही है सदर्न एंड नॉर्दर्न स्टेट्स के लिए। देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, भाई रूट सिस्टम, अब क्या हुआ कि पेड़ है तो पेड़ की कुछ रूट्स भी होंगे, तो टैप रूट सिस्टम क्या होता है, बड़ी भैया इसकी जो टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, बहुत डीप, अगर ये सॉइल है तो बड़ी डीप रूट्स होती हैं, अंदर तक चले जाती हैं रूट्स, उसका एग्जांपल आपका जैसे तोर की दाल हो गई, ग्रेप्स हो गए, कॉटन हो गया। ठीक है, देन फाइबरस रूट क्या होती है, थोड़ी शैलो सी होती हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाती, बट ये गुच्छा सा बन जाता है जिसका, आपने अगर उखाड़ोगे उसको तो गुच्छा सा बने, मिला हुआ बनेगा आपको, उसको बोलते हैं फाइबरस रूट। उसका एग्जांपल क्या हो गया, वीट, राइस, जितनी भी दालें हैं। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलीडॉन्स, तो कॉटिलीडॉन्स क्या होता है, दो टाइप के होते हैं, तो मोनो कॉटिलीडॉन होता है, एक डाई कॉटिलीडॉन होता है। डाई में क्या होता है, बेसिकली दो कॉटिलीडॉन होते हैं ऐसे, और मोनो में क्या होता है, सिंगल कॉटिलीडॉन होता है, बस यही फर्क होता है दोनों के बीच में, तो उसको मोनोकॉट्स और डाईकॉट्स ही बोलते हैं। मोनोकॉट्स में क्या हो गया, एक कॉटिलीडॉन है, डाईकॉट्स में क्या हो गया, दो कॉटिलीडॉन है ऐसे। ठीक है, दो में ऐसे होंगे दो, और सिंगल में सिंगल होता है। ठीक है, देन फोटो पीरियड, भाई लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड फॉर रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, भाई कुछ पौधे होते हैं कि उन्हें सनलाइट बड़ी ज़्यादा चाहिए होती है, तभी वो जो होते हैं फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उसमें। तो शॉर्ट डे प्लांट क्या हो गए कि भैया अगर ठीक है लेस देन 10 आवर्स भी हमको सनलाइट मिल रही है तो हम ग्रो कर जाएंगे, हम अपने फ्लावर दे देंगे, बट लॉन्ग डे प्लांट्स क्या बोलते हैं, नहीं भैया हमको तो कम से कम 10 आवर्स की सनलाइट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, देन डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं, ये आजकल के बच्चों जो नए बच्चे आ रहे हैं उनकी तरह होते हैं कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कितने घंटे की लाइट है कितने घंटे की नहीं है, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, दे आर डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो बेसिकली शॉर्ट डे प्लांट्स कैसे एग्जांपल लोगे आप, तो ये राइस, ज़ोवार, ठीक है, आपका ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम। लॉन्ग डे में आपका वीट, बारले, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। देन डे न्यूट्रल में जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, भैया जी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें कौन सा आ जाएंगे, कॉटन, सनफ्लावर, ठीक है, ये सब आ जाएंगे। देन मेजर क्रॉप्स की बात करें अगर हम इंडिया में, जल्दी से देख लेते हैं, पहले सीरियल्स पढ़ लेते हैं। देखो सीरियल्स क्या होता है, अनाज, इसको हम अनाज बोलते हैं। सब दो सबसे इम्पोर्टेंट कौन से है, राइस और वीट, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, राइस। ठीक है, तो लगभग लगभग 54% जो एरिया है इंडिया का वो उसमें सीरियल्स उगाते हैं हम लोग। ठीक है, इंडिया जो है वर्ल्ड का जो है लगभग लगभग वर्ल्ड में 11% अनाज जो है अगर भारत से जाता है, वर्ल्ड का जो 11% अनाज है वो भारत प्रोड्यूस करता है, और हम जो है थर्ड नंबर पे हैं सीरियल प्रोडक्शन में, आफ्टर होम, टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, चाइना एंड यूएसए। ठीक है, राइस की बात करें तो लगभग लगभग 22.07% हम इसका प्रोडक्शन करते हैं, चाइना के बाद हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं जो राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करते हैं, सेकेंड लार्जेस्ट है, और लगभग लगभग हमारा एक चौथाई एरिया जो है, 1/4 एरिया जो है क्रॉप्ड एरिया जो है उसमें जो है राइस ही उगता है। ठीक है, बेसिकली राइस है क्या, एक खरीफ क्रॉप है, मैंने आपको बता दिया, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, एंड लगभग लगभग 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, और रेनफॉल चाहिए इसको लगभग लगभग 100 mm से ऊपर, 100 सेंटीमीटर से ऊपर इसको रेनफॉल चाहिए। ठीक है, वीट की बात करें, सेकेंड मोस्ट सीरियल इंपॉर्टेंट क्रॉप है, बेसिकली अच्छा खासा ये नदर्न एंड सेंट्रल रीजन्स में उगता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन में बहुत सी गेहूँ उगती है। टोटल क्रॉप्ड एरिया की मैं अगर बात करूँ तो 14% जो है एरिया, टोटल क्रॉप्ड एरिया जो है आपका वीट के अंदर है। थोड़ा सा इसको कूल क्लाइमेट चाहिए होता है, बट देन इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है, जब राइपनिंग होती है, जब हार्वेस्टिंग होती है तो उसको धूप चाहिए होती है। ठीक है, तो इसलिए ये आप देखा अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब बैसाखी वगैरह मनाई जाती है तो उस टाइम धूप बड़ी अच्छी पड़ रही होती है। ठीक है, अब बात करते हैं मिलेट्स की, तो आजकल तो भैया ये चर्चा में है क्योंकि हमारे कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहे हैं, इसका डायबिटिक में, वेट मैनेजमेंट में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। सबसे पहले ज्वार देख लेते हैं,
ज़ुबात की अगर मैं बात करूँ तो लगभग लगभग सबसे ज़्यादा यही उगता है मिलेट्स में, 16.50% है इसका टोटल क्रॉप एरिया। और सोरगम भी, अगर ये इसको हम सोरगम के साथ मिक्स कर दें, सोरगम चारा सुना है आपने, जो बेसिकली गाय वगैरह को खिलाया जाता है, गाय भैंस को, उनके साथ उसको वो मतलब ये उसके साथ क्लब किया जाता है, जब उसका टोटल क्रॉप एरिया देखा जाता है तो वो 5.3% आता है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द कंट्री, बट देन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाजरा की बात अगर मैं करूँ तो ये नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स में होता है। ठीक है, इसको हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए। ठीक है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, थोड़ा सा ये रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो बेसिकली आप इसको, आप इसके पार्ट्स अगर देखोगे तो राजस्थान वगैरह के एरियाज में, या वेस्टर्न एरिया जहाँ पानी कम है, जहाँ पर ड्रॉट्स होते हैं या सूखा बहुत पड़ने की आशंका होती है, वहाँ पे इसको उगाया जाता है, उगा सकते हैं। ठीक है, देन मेज़ की बात करें, मेज़ का मतलब होता है मकई, मक्की खाई है आपने, है ना, मकई। तो बेसिकली इसको फूड और फोडर दोनों के रूप से इस्तेमाल, दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। भाई हम खा भी सकते हैं, आप भुट्टा खाया होगा आपने सर्दियों में, है ना, भून के उसे खा रहे हैं या उबाल के आप खा सकते हैं। देन जो उसका नीचे वाला स्टेम होता है उसको आप अपनी जो गायें हैं भैंसे उन्हें खिला सकते हैं, फोडर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, ये ओल्ड एलोवियल जो स्लाइड सॉइल होती है ना उसमें बड़ा अच्छा उगता है यार ये। ठीक है, और इसको टेम्परेचर लगभग लगभग 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का चाहिए होता है। ठीक है, अब बात करें अगर पल्सेस की, तो पल्सेस दो जो दो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है ग्राम, एक है अरहर या तोर, तोर की दाल जिसे बोलते हैं। भाई ग्राम कौन सी, चने की दाल देखी है आपने, चना दाल, वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, येलो कलर की होती है, देख लिया करो थोड़ा सा जाके। ठीक है, कभी पता होना चाहिए कि चने की दाल कौन सी और तोर की दाल कौन सी, बड़ा कन्फ्यूजिंग है मैं वैसे आपको बताऊं, बट ठीक है, दो चार बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप सीखो कि चने की दाल और तोर की दाल कैसे होती है, पता लग रहा है आपको किसी ने बोला कि भैया ऐसा करना, चने की दाल बनाना बढ़िया वाली, और आपने बना दी तोर की दाल, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। ठीक है, बट देन कमिंग बैक टू द डिस्कशन, ग्राम या चने की दाल जो होती है बेसिकली आपके सब ट्रॉपिकल एरियाज में उगती है, रेन फेड क्रॉप है, रवि सीजन में ही उगता है। ठीक है, और लगभग लगभग टोटल क्रॉप एरिया इसका 2.8% है। देखो टोटल क्रॉप एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, बट देन इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तोर की बात करूँ, अरहर की बात करूँ, तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्ल्स है इंडिया में। इसको रेड ग्राम और पिजन पी के नाम से सुना होगा आपने, पिजन पी के नाम से भी जानी जाती है। राइटिंग का कुछ करते हैं यार, जल्दी करते हैं, कुछ बड़ी गंदी हो रही है, इतनी ख़राब है नहीं मेरी राइटिंग। ठीक है, देन सेंट्रल एरिया सदर्न स्टेट्स में इसको उगाया जाता है, लगभग लगभग टोटल क्रॉप एरिया की बात करूँ तो 2% में ही उगाई जाती है। ठीक है, अब बात करें अगर हम ऑयल सीड्स की, भाई तेल कहाँ से आता है हमारा, सबसे पहले ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली। तो लगभग लगभग वर्ल्ड का हम 18.8% जो ग्राउंड नट है वो इंडिया से आता है। वर्ल्ड में अगर टोटल ग्राउंड नट प्रोडक्शन की बात करें तो 18.8% इंडिया से आता है। अब जितने भी ये डाटा है यार, ये 2018 के डाटा है बेसिकली, उसके बाद का डाटा हमें मिला नहीं, बट देन जब आएगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। खरीफ क्रॉप है ये एक टाइप का, ठीक है, खरीफ क्रॉप है ये, और रबी में भी इसको उगाया जा सकता है, बट देन सदर्न इंडिया में इसको उगाते हैं रबी में। ठीक है, रबी में भी इसको उगाते हैं बट देन सदर्न इंडिया में उगाते हैं। ठीक है, और 3.6% है इसका टोटल क्रॉप एरिया। रेप सीड और मस्टर्ड की बात करें, रेप सीड मतलब तोड़िया और मस्टर्ड मतलब सरसों, बेसिकली जो राय, सरसों, तोड़िया, टमेटा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। भाई सरसों का साग किसने खाया होगा, किसने नहीं खाया होगा ना, कितना अच्छा बनता है अगर उसे मक्की की रोटी के साथ खाया जाए। तो बेसिकली ये सब क्या है, ये सब वो सब ऑयल सीड्स हैं। अगर आप उसको तोड़िए को बड़ा कर देंगे, उसके बाद अगर आप जाएंगे उसे काटा जाता है, सुखाया जाता है, सुखाने के बाद उसके तेल निकाला जाता है। ठीक है, उसको सुखा के फिर उसको जो है चक्की में ले जाते हैं, पिसवा के फिर तेल निकाला जाता है। अदर ऑयल सीड्स की बात करें अगर हम, तो आपका सोयाबीन का ऑयल, ठीक है, आपने देखा होगा सनफ्लावर का ऑयल, देन राइस ब्रैन, जो राइस के ब्रैन से जो ऑयल निकलता है, ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल होते हैं, बट देन ये कम क्वांटिटी में उगाए जाते हैं इंडिया में। अब बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप की, टी भैया चाय, आजकल चाय के कितने स्टार्टअप चल रहे हैं, चाय से लोगों ने, ठीक है, मल्टी करोड़ स्टार्टअप्स बना रखे हैं, चाय सुट्टा बार, चबार, पता नहीं, एक आपके प्रफुल्ल बिल्लोर जी का भी एक स्टार्टअप है, ठीक है, एक MBA चाय वाले हैं वो, ठीक है, और एक हम मेरे घर के बगल में एक बीयर चाय वाली, एक लड़की थी उसने बीयर चाय वाली दुकान खोल दी, काफ़ी अच्छी दुकान चल रही है। तो बेसिकली देखो टी कितना इंपॉर्टेंट हो गया, बट देन हमारा जो टॉपिक है वो है टी को अच्छे से पढ़ना। तो बेसिकली दो टाइप से आप टी को पीते हैं, आपने आजकल तो ग्रीन टी भी चल रही है, तो आपको फ़र्क बता देते हैं भैया ब्लैक टी और ग्रीन टी में क्या फ़र्क होता है। देखो ब्लैक टी जो होती है ना, वो आपकी जो जो उसकी लीव्स होती हैं वो फर्मेंटेड होती हैं, ठीक है,
फर्मेंटेड होती हैं, बट जो ग्रीन टी होती है ना इसकी जो लीव्स होती हैं वो अनफर्मेंटेड होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो टी लीव्स में देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो जिसके लिए आप उसको पीते हैं कैफीन होती है, एक टैनिन भी होता है उसके अंदर। ठीक है, ये केमिकल्स होते हैं दो टाइप के। आई कहाँ से थी डी? ये नदन चाइना से आई थी, और इंडिया में कहाँ कहाँ सबसे पहले कहाँ उगी थी? वेस्ट बंगाल, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में उगी थी। वहाँ पे तीन उसके डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे बड़ी अच्छी चाय होती है, जैसे दार्जिलिंग, एक जलपाईगुड़ी, एक कूचबिहार डिस्ट्रिक्ट है। और कहाँ उगती है चाय? आपका बेसिकली तमिलनाडु केरला में उगती है, नीलगिरी एंड कार्डमम हिल्स जो हैं वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पे उगती हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि हम इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर, इंडिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टी, और लगभग लगभग हम लोग 21.22% जो है वर्ल्ड की चाय जो है हम उगाते हैं। ठीक है, तो अगर 100 किलोग्राम उग रही है तो उसमें से 21.22 किलोग्राम जो है इंडिया से आती है चाय। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन उगाता है? आपका असम। लगभग लगभग मैं आपको बताऊँ अगर, तो असम का आधे से ज़्यादा जो जहाँ पे भी खेती या प्लांटेशन होती है उसमें से सबसे ज़्यादा आधे से ज़्यादा में तो चाय उगाते हैं हम लोग। ठीक है, अब तो चाय बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गई है विद टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु हैं वो भी अच्छे से उगाते हैं। देन सेकंड हमारे पास कॉफ़ी। दो कॉफ़ी की तीन वैरायटी होती है बेसिकली, अरेबिका, रोबस्टिका एंड लिबरिका। ये क्या है? ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है। ठीक है, तो भारत में उगाया जा सकता है क्योंकि इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों हैं। इंडिया में जो है अच्छी वाली कॉफ़ी उगती है भैया, ठीक है, अरेबिका जो होती है, एंड बड़ी डिमांड है इंडिया की कॉफ़ी की, बट देन हम लोग जो है 3.1% ही उगाते हैं कॉफ़ी में, और 8th नंबर है हमारा कॉफ़ी प्रोडक्शन में। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कौन उगाता है मैं आपको बता देता हूँ, ब्राज़ील, उसके बाद वियतनाम। ठीक है, फिर बात करते हैं रबर की। तो बेसिकली रबर भी एक प्लांटेशन क्रॉप है, हाईली ये एक टाइप का बेसिकली इक्वेटोरियल क्रॉप है, मतलब बेसिकली इक्वेटोरियल के अराउंड एरियाज में उगते हैं। बट आप देन आप सोचेंगे कि ये कैसे यहाँ उगा लेते हैं हम लोग, तो बेसिकली कुछ कुछ हम चीज़ें करते हैं, कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, और रबर को जो है बेसिकली, इसलिए रबर जो है इंडिया के नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं मिलेगा, आपको कहीं कहीं मिल जाएगा, बट देन इसकी जो ज़्यादा खेती होती है वो आपके सदर्न स्टेट्स में होती है, केरला, तमिलनाडु, वहाँ पे आपको ज़्यादा रबर मिलेगा। ठीक है, इसको जो है बेसिकली रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए होती है हर वर्ष। ठीक है, इसको लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए होती है, मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, वहाँ पे ये सब उगता है, और जो मेघालय जहाँ बारिश, जो गारो खासी हिल्स हैं उसका गारो वाला जो पार्ट है मेघालय का, वहाँ पे उगता है। हम लोग जो है 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, और ये डाटा 2011-12 का है, उसके बाद का हमें डाटा मिला नहीं यार। ठीक है, देन फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो कॉटन एंड जूट, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। तो कॉटन भी क्या है, एक बार ट्रॉपिकल क्रॉप है, खरीफ सीजन में ये उगता है। ठीक है, सेमी अरिड एरियाज में उगता है बेसिकली। देखो फाइबर क्रॉप्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जब देखो पार्टीशन हुआ ना इंडिया पाकिस्तान का, और इंडिया पाकिस्तान का, तो बेसिकली इंडिया हमने पाकिस्तान भी खोया, और फिर ईस्टर्न पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश बना उसे भी खोया। तो ये दोनों जो पार्ट्स थे, तो जो आपका आज के टाइम पे जो पाकिस्तान है वहाँ कॉटन बहुत उगता था, और जो आपका उस टाइम का ईस्टर्न पाकिस्तान और आज का जो बांग्लादेश है वहाँ जूट बहुत अच्छा उगता था। तो जो हमारे दोनों अच्छे रीजन्स थे, कॉटन प्रोड्यूसिंग एंड जूट प्रोड्यूसिंग, हमने वो खोए। तो हमें देखो इमोशनल लॉस और टेरिटोरियल लॉस तो हुआ ही हुआ है, बट देन हमें इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ, हमें क्रॉप वाइज लॉस भी हुआ। ठीक है, तो कॉटन जो है बड़ा अच्छा उगता है पाकिस्तान में, बहुत सारे एरियाज़ में वहाँ कॉटन उगता है, जो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, उससे ऊपर वाला एरिया है। देन जो जूट है आपका बांग्लादेश में बड़ा अच्छा उगता है, उसको जो है बैग्स वगैरह बनाने में काम आता है। ठीक है, इंडिया की अगर कॉटन की बात करें तो देखो यार कॉटन जो है बेसिकली सिल्क वॉर्म से निकलता है। ठीक है, कोकून्स जो होते हैं सिल्क वॉर्म के, बेसिकली ये कोई कॉटन कोई ज़मीन से निकलता है, सिल्क वॉर्म से आप सिल्क निकलता है। ठीक है, कॉटन जो है बेसिकली उगाया जाता है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल क्रॉप, बट देन मैं आपको जो बता रहा था, सॉरी मेरा दिमाग कहीं और चला गया, बट देन दो टाइप का कॉटन होता है, एक होता है लॉन्ग स्टेपल, एक होता है शॉर्ट स्टेपल। ठीक है, लॉन्ग स्टेपल जो होता है बेसिकली बाहर का है, अमेरिकन है ये, और शॉर्ट स्टेपल जो है आपका इंडियन है। ठीक है, और शॉर्ट स्टेपल हम दोनों ही उगाते हैं, शॉर्ट स्टेपल जो है इंडियन जो है वो भी उगाते हैं, और जो लॉन्ग स्टेपल अमेरिकन जो है वो भी उगाते हैं। देखो और लॉन्ग स्टेपल को नरमा भी बोलते हैं, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, दोनों ही टाइप का उगाते हैं। लगभग लगभग 4 टोटल क्रॉप एरिया की बात करें तो कॉटन के अंदर 4.7% है। ठीक है, अब देखो यार दो फाइबर क्रॉप और हैं, एक होता है हेम्प, एक होता है नेचुरल सिल्क। वो मेरे को याद आएगी इस स्लाइड में, मेरे को अब जस्ट याद आ गया कि नेचुरल सिल्क भी पढ़ाना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें वो मिस आउट हो गया तो मैं वहाँ चला गया। तो हेम्प क्या होता है, हेम्प की कैनबिस चरस जिसको बोलते हैं, तो उसको मेडिसिनल यूज़ है, इंडस्ट्रियल यूज़ है, और भी यूज़ है जो कि मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, आप उसको यूज़ ना करें। ठीक है,
यू शुड बी हाई ऑन लाइफ नॉट ऑन हेम्प, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ठीक है, नेचुरल सिल्क की बात करें तो बेसिकली कोई सॉइल पे नहीं उगता है, जो कोकून्स होते हैं उससे निकाला जाता है, सिल्क कोकून्स होते हैं उससे निकाला जाता है, गोल गोल से होते हैं वाइट रंग के, उनसे जो है इसको निकाला जाता है। तो बेसिकली चार टाइप के फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। अदर क्रॉप्स की बात करें हम तो एक हमारे पास शुगर केन है। ठीक है, शुगर केन एक टाइप का ट्रॉपिकल क्रॉप ही है, सब ह्यूमिड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में उगता है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उगता है, देन महाराष्ट्र एंड गुजरात में, इंडो गैंगेटिक प्लेन में बड़ा अच्छा उगता है यार ये। ठीक है, अगर आप एरियाज़ ऑफ बिहार, गोरखपुर इधर चले जाएँ तो वहाँ पर बड़ा अच्छा उगेगा ये। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं हम लोग, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट नहीं आ पाया। ठीक है, सेकेंड है, सबसे ज़्यादा कौन उगाता है, ब्राज़ील। देखो उसके उसके ना कुछ रीजंस हैं कि इंडिया फर्स्ट क्यों नहीं है इतने ज़्यादा एरिया में उगाने के बावजूद, क्योंकि हम लोगों की प्रोडक्टिविटी बड़ी कम है। ठीक है, बट देन तब भी हम लोग 19.7% जो है वर्ल्ड का शुगर केन उगाते हैं, एंड अच्छी बात है, लेकिन इसका जो टोटल क्रॉप एरिया है वो सिर्फ 2.4% है, तो बड़े कम एरिया में हम इसको उगाते हैं। देन हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की बात करें, देखो हॉर्टिकल्चर में क्या क्या आ जाता है आपका, सब्जियाँ, फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, है ना, ये सब आपको हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स वेजिटेबल आ जाते हैं। लगभग 13% ऑफ वर्ल्ड वेजिटेबल उगाते हैं हम लोग। ठीक है, एंड हम लोग सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, और हम लोग क्या क्या देते हैं इसमें, बेसिकली क्या क्या उगाते हैं आपका, ब्रिंजल हो गया, टोमेटो हो गया, कैबेज हो गया, पोटैटो हो गया, पी हो गया, बेसिकली सब्जी एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो ये बात थी मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया की। अब बात करते हैं क्रॉपिंग की। ठीक है, तो क्रॉपिंग में भी दो टॉपिक पढ़ेंगे, पहले क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं। तो क्रॉपिंग सिस्टम क्या होता है, बेसिकली क्रॉपिंग पैटर्न से थोड़ा सा ब्रॉडर होता है। क्रॉपिंग सिस्टम में, क्रॉपिंग पैटर्न में क्या होता है, सिर्फ हम जो हमने किसी भी फसल को उगाया है सिर्फ उसको देखते हैं, बट देन क्रॉपिंग पैटर्न में हम लोग, हमने वाटर सप्लाई कैसे करनी है, कैसे इरिगेशन का इस्तेमाल किया, किस प्रकार की सॉइल थी, किस प्रकार के टेक्नोलॉजी का हमने इस्तेमाल किया, तो बेसिकली ये वाइडर है स्कोप में, ये इन सब चीज़ों को भी अकाउंट में लेता है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम पढ़ लेते हैं पहले। तो पहले सबसे पहला है मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप जो है दो से ज़्यादा क्रॉप, ग्रेटर देन टू क्रॉप जो है सीजन बाय सीजन या ऑर्डरली सक्सेशन में उगाते हैं, किस पे, ज़मीन पे या अपनी जो आपकी लैंड है या फार्म पे। डबल क्रॉपिंग क्या होता है कि आप जो है एग्जैक्टली टू फसल उगाते हैं या टू क्रॉप्स उगाते हैं इन अ ईयर इन सीक्वेंस। देन मोनोकल्चर एंड मोनोक्रॉपिंग, देखो ये ऑलमोस्ट अरे के सोलो क्रॉपिंग या सोल क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं, बेसिकली एक ही चीज़ होती है। बेसिकली मोनोकल्चर में हम क्या करते हैं कि सेम क्रॉप को, सेम सोल क्रॉप को सेम लैंड पे उगाते रहते हैं। ठीक है, लेकिन मोनोक्रॉपिंग में तो सेम सोल क्रॉप इन सेम लैंड रहता ही है, बट ईयर आफ्टर ईयर भी उसको उगाते रहते हैं। ठीक है, तो मोनोकल्चर क्या है कि थोड़ा सा क्या पता थोड़े टाइम के बाद हम चेंज भी कर दें, बट देन मोनोक्रॉपिंग में हम साल साल जो है ईयर आफ्टर ईयर जो है सेम क्रॉप उगाते हैं। ठीक है, अब सोल क्रॉपिंग की बात करूं तो बेसिकली ये वैरायटी की बात करता है, इसमें हम सिर्फ एक ही वैरायटी का क्रॉप, भाई आप इसमें क्या होता है, हो सकता है आप राइस उगा रहे हो, साल दर साल राइस उगाएं, या एक ही राइस को अलग अलग उगाते हैं, बट देन आप, हो सकता है जो राइस की वैरायटी है X11 आप उसी को उगा रहे हो बस, तो वो हो गई आपकी सोलो क्रॉपिंग, जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छी नहीं होती, मैं आपको बताऊं। देन एक होता है सिक्वेंशियल क्रॉपिंग। देखो सिक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होता है बेसिकली कि आपका उसमें भी एक चीज़ होती है, रिले क्रॉपिंग होती है इसके अंदर। एक भाई रिले क्या होती है, रिले रेस क्या होती है कि पीछे से आदमी आता है, बैटन देता है और दूसरा आदमी आता है, तो बेसिकली ब्रेक नहीं होता। तो क्या हुआ कि आपने एक फसल बोई यहाँ पे, अब यहाँ पे इसका काटने का टाइम हो गया, उससे पहले ही जस्ट यहाँ पे आपने दूसरी फसल बो दी, फिर यहाँ पे उसका कटने का टाइम हुआ तो उससे पहले आपने दूसरी फसल यहाँ पे बो दी, तो ये एक टाइप क्या है, रिले क्रॉपिंग। तो इसी को सिक्वेंशियल क्रॉपिंग बोलते हैं। देन रटून क्रॉपिंग, देखो रटून एक टाइप की टेक्निक होती है, वैसे गन्ना देखा आपने, गन्ना कैसे उगाया जाता है, तो अगर गन्ना काटते हैं तो गन्ने का नीचे वाला पार्ट काट के रख लेते हैं और उसको दोबारा उगाते हैं, उसी को रटूनिंग बोलते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो रूट्स है या स्टॉक्स है, शूट्स हैं, उससे जो है दोबारा उस प्लांट को उगाना इज नोन एज रटून क्रॉपिंग। ठीक है, ये थी बात किसकी, क्रॉपिंग सिस्टम की। अब क्रॉपिंग में ही एक और टॉपिक होता है मल्टीपल क्रॉपिंग। भाई मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या होता है कि आप जो है एक से ज़्यादा क्रॉप उगा रहे हो ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद इन अ ईयर। ठीक है, एक साल में आप एक से ज़्यादा क्रॉप उगा रहे हो, अलग अलग क्रॉप्स उगा रहे हो ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन अ गिवन पीरियड या इन अ गिवन ईयर।
अब इसमें भी दो टॉपिक है हमारे पास, इंटरक्रॉपिंग, बेसिकली तीन टाइप की होती है, इंटरक्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, और एक तीसरा होता है सीक्वेंस क्रॉपिंग, ये मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया ही है, जिसमें हमने सिक्वेंशियल है ना, उसमें हमने जिसमें हमने रिले क्रॉपिंग पढ़ा, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग पढ़ लेते हैं पहले। अब इंटरक्रॉपिंग क्या होती है, बेसिकली आपने दो फसल जो है एक साथ उगानी है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले होती है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं आप, एक आपकी स्ट्रिप ये बन गई, ठीक है, अब एक अलग कलर ले लेते हैं, एक आपकी स्ट्रिप एक ये बन गई, ठीक है, देन फिर आपने एक और बना ली, ठीक है, फिर आपने एक और स्ट्रिप अलग पौधे की बना दी। तो मान लिया ये ए क्रॉप है, ये बी क्रॉप है, फिर ए क्रॉप है, फिर बी क्रॉप है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें स्ट्रिप क्रॉपिंग और पैरेलल क्रॉपिंग में फ़र्क क्या होता है, बेसिकली होते दोनों स्ट्रिप्स में ही हैं, बट देन फ़र्क क्या होता है कि स्ट्रिप क्रॉपिंग में जो स्पेस रखा जाता है वो इतना रखा जाता है कि वो ग्रोथ में भी हेल्पफुल हो, बेसिकली मतलब ग्रोथ भी हो जाए प्लांट की और ये आपस में इंटरेक्ट भी कर सके। तो एक टाइप से ये इंटरेक्शन पे रहता है इसका ध्यान, कि प्लांट्स आपस में किसी प्रकार से इंटरेक्ट कर पाएँ, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट दे पाएँ। बट पैरेलल क्रॉपिंग में क्या होता है, होता है स्ट्रिप की तरह ही है, ऐसे ही बोए जाते हैं, बट देन कोई कंपटीशन नहीं होता, अलग अलग क्रॉप होते हैं, उन्हें एक दूसरे से लेना देना ही नहीं होता है। देन सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग होती है एक, ठीक है, सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग होती है कि बेसिकली हमने दो क्रॉप उगाए एक्स एंड वाई, और ये एक दोनों जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जीवन में जैसे आपके बहुत सारे रिलेशन होंगे जो एक दूसरे को आप सपोर्ट करते हैं और बेहतर बनाते हैं, ठीक है। अगर वो बोलते हैं ना कि यूनाइटेड वी रूल डिवाइडेड वी फॉल, है ना, तो यही है कि अगर हम एक्स को अलग बोते वाई को अलग बोते तो इनकी यील्ड जो आती वो कम आती, प्रोडक्टिविटी कम होती, बट जब हमने एक्स और वाई को एक साथ बोया तो इनकी यील्ड जो है या इनका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक क्रॉपिंग। देन मल्टी स्टोरी क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरी कुछ नहीं होता, बेसिकली हाइट ऑफ द क्रॉप्स अलग अलग होती हैं इसमें, ठीक है, इस टाइप से दिखती है कुछ फील। देन रिले इंटरक्रॉपिंग मैंने आपको बता ही दिया कि दूसरे को हार्वेस्ट करने से पहले तीसरी या चौथी आप फसल बो लेते हो, ठीक है। देन एक होता है आपका एले क्रॉपिंग। देखो एले में क्या होता है, ऐसी ही स्ट्रिप्स होती हैं। अब क्या होता है, ये झाड़ियाँ टाइप की होती हैं, श्रब्स होते हैं या आपके हेजेज होती हैं, इसके बीच में उगाए जाते हैं कोई भी जो फसल होती है। अब इसको जो है हेजिंग को जो है काट के रखा जाता है, या क्या बोलते हैं उसको, उसको प्रून किया जाता है इस प्रकार से कि जो बीच में फसल हो रही है वो ढंग से हो पाए, ठीक है। एडवांटेजेस क्या हैं आपके इंटरक्रॉपिंग के, देखो एक तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ती है, पेस्ट का अच्छे से कंट्रोल होता है, सॉइल इरोजन रिड्यूस होता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पार्टी है बल्कि ये। देन आपकी जो यील्ड होती है वो अच्छी होती है, वीड्स का जो सप्रेशन होता है वो बढ़िया होता है। तो ये एडवांटेजेस थे इंटरक्रॉपिंग के। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग में आप कुछ नहीं करते, हड़बड़ कर देते हो आप, या आपने दो चार क्रॉप्स की सीड ली, उसे मिलाया आपस में और बो दिया, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई ऐसा नहीं कि ऐसे स्ट्रिप्स लगी हुई हैं या आपने कोई पैटर्न बना रखा है, ऐसे ऐसे कोई पैटर्न नहीं होता, ये बेसिकली हैपाजार्ड होता है। दो फूल आपको किसी क्रॉप के मिलेंगे, फिर तीसरा किसी और का होगा, चौथा किसी और का, कोई सीक्वेंस नहीं होता इसमें बेसिकली, ठीक है, मिक्स क्रॉपिंग में। और ये बेसिकली ड्राई लैंड्स में प्रैक्टिस ज़्यादा की जाती है। अब फ़र्क देख लेते हैं जल्दी से, देखो इंटरक्रॉपिंग में और मिक्स क्रॉपिंग में फ़र्क क्या है। इंटरक्रॉपिंग में जो है जो ध्यान होता है या एम होता है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे होता है, बट देन मिक्स क्रॉप में जो होता है वो क्रॉप फेलियर को रिड्यूस करने पे होता है, ठीक है, क्रॉप फेलियर को रिड्यूस करने पे इसका ध्यान होता है। इंटरक्रॉपिंग में जो होती है सीड्स मिक्स नहीं की जाती, ठीक है, बट देन मिक्स क्रॉपिंग में सीड्स मिक्स की जाती हैं, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में जो आप पौधे या फसल उगा रहे हैं आप उसको अलग अलग टाइम पे बोएं, एक साथ बोएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट देन मिक्स क्रॉपिंग में उसको आप एक साथ ही बोते हैं, ठीक है। और बात करूं अगर मैं तो पेस्ट कंट्रोल जो है रिलेटिवली ईजियर है इंटरक्रॉपिंग में, ठीक है, बट पेस्ट कंट्रोल जो है मिक्स क्रॉपिंग में डिफ़िकल्ट है। इंटरक्रॉपिंग में आप स्पेसिफिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हो, मान लिया ये ए फसल है आपकी, तो ए में जो फर्टिलाइजर डालना है वो आप ए में इस्तेमाल करोगे, बी में जो डालना है उसमें बी करोगे, बट देन इंटर मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है आप सेम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज़ कर लेते हो। और जो इंटरक्रॉपिंग होती है उसमें जो मेन क्रॉप होता है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, मिक्स क्रॉपिंग में बेसिकली सबको बराबर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क था। देन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, तो बेसिकली 5 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया,
पहले एग्रोनॉमिक या टेक्निकल देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे कि भैया उस जगह का क्लाइमेट कैसा है, उस जगह की सॉइल टाइप कैसी है, कैसा इरीगेशन फैसिलिटीज़ है, टोपोग्राफी कैसी है, फर्टिलिटी कैसी है सॉइल की, ड्रेनेज कैसा है, फर्टिलाइज़र कैसा है, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, सीड किस क्वालिटी की है, क्या टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार की लेबर वहाँ पे अवेलेबल है, क्या उसका स्किल सेट है, ये आपका एग्रोनॉमिक टेक्निकल में आ जाता है। देन सोशल फैक्टर्स में जैसे आपका फूड हैबिट्स की वहाँ का लोग खाते कैसे हैं या क्या खाते हैं बेसिकली। जैसे सदर्न इंडिया में आप चले जाएंगे तो वहाँ पर चावल का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है या चावल ज़्यादा खाते हैं, नॉर्दर्न इंडिया में रहते हैं तो वहाँ लोग रोटी भी खाते हैं तो व्हीट का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देन इकोनॉमिक फैक्टर की बात करें तो क्या आपके पास इनपुट्स अवेलेबल हैं, क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, मार्केट की डिमांड कितनी है, लैंड होल्डिंग साइज़ कितना है लोगों के पास, कि वो प्रॉफिटेबल है भी या नहीं है, इंश्योरेंस है या नहीं है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल है या नहीं है, आपका जो इनपुट प्राइस है और आउटपुट प्राइस है वो कैसा है, एक्सपोर्ट की लोगों को नॉलेज है या नहीं है, मार्केट डिमांड कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है या नहीं है, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। देन बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखो बेसिकली इसको तीन ही चीज़ होती हैं एग्रीकल्चर में, तो स्टोरेज, पोस्ट हार्वेस्ट एंड मतलब प्री हार्वेस्ट भी होता है बट देन प्रोसेसिंग, कि आप कैसे उसको बढ़िया, भाई आपने आटे के बिस्किट बना दिए तो बेसिकली वो प्रोसेसिंग में आ जाता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान रहता है। दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखो एक तो वो नॉन डिस्टॉर्शन होनी चाहिए, अगर आपको देखो मैं जो सजेस्ट करूँगा आपको बेसिकली, आप अगर हमारे जो नोट्स हैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया, वो टेलीग्राम पे भी अवेलेबल है, आपका साइट पे हमारी साइट पे भी अवेलेबल है, बाय चांस नहीं मिलते हैं हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमें टेक्स्ट करिए तो हम आपको इस पर्टिकुलर या कोई भी आपको हमारा मटेरियल चाहिए हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे एट नो कॉस्ट। तो बेसिकली आप उसकी कॉपी निकाल लें या आप टैब में पढ़ते हैं जैसे भी पढ़ते हैं, तो आप इस लेक्चर को पढ़ते हुए उसको सामने रखें, ठीक है। तो उसको जब सामने रखेंगे तो आपको बेसिकली ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट को क्या देखते हो, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे होनी चाहिए, बेसिकली वन साइड फिट्स ऑल अप्रोच नहीं होनी चाहिए, हर क्लॉक को सरकार को जो है अलग तरीके से देखना है, ठीक है। रिसर्च प्रोग्राम को प्रमोट करना है, एक्सटेंशन प्रोग्राम्स को प्रमोट करना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो क्योंकि एग्रीकल्चर जो है रूरल क्षेत्रों में ज़्यादा है तो रूरल क्रेडिट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर को ला सकते हैं, एमएसपी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, देन जो क्वालिटी है उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, इन सब दिशाओं या इन सब एरियाज़ में जो है गवर्नमेंट अपना योगदान दे सकती है। देन बात करते हैं क्रॉप रोटेशन की, देखो क्रॉप रोटेशन कुछ नहीं होता, रोटेट कर रहे हो आप क्रॉप को। अब क्रॉप रोटेशन से होता है कि होता क्या है कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल मेंटेन रहती है, आपने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाए सीजन आफ्टर सीजन, ठीक है। ये नहीं कि आप एक ही पता लग रहा चावल उगा रहे हैं तो चावल ही उगाते जा रहे हैं, ठीक है, या वीट उगा रहे हैं तो वीट ही उगाते जा रहे हैं, ठीक है। आप जो है एक सीज़न आपने चावल उगाया फिर वीट उगाया, उसमें आपने बीच में थोड़ी देर उसको खाली छोड़ दिया, फिर थोड़े दिन बाद आपने उसमें सब्जियां उगा ली, थोड़े दिन बाद उसमें आपने कोई फल उगा लिया, तो बेसिकली ऐसे इसी को बोलते हैं क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसके बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब ये कोई हार्ड कोर प्रिंसिपल नहीं है, आपकी इससे अगर अलग मर्जी है तो आप वो कर सकते हैं। देन ये बोला जाता है कि आप पहले जो लेग्युमिनियस क्रॉप्स हैं उसको उगाएं। देखो लेग्युमिनियस क्रॉप्स क्या होते हैं, ये एक्चुअली बेसिकली जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल होती है ये उसको सॉइल में फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। अब नाइट्रोजन जब फिक्स हो गई तो क्या हुआ, आपकी फर्टिलिटी, आपकी सॉइल की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो गई, ऑर्गेनिक मैटर उसमें बढ़ जाएगा, जब नाइट्रोजन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बढ़िया हो गया, उसके बाद आप कोई और क्रॉप लगा लो, ठीक है। देन क्रॉप विद टैप रूट जिसकी होती है शुड बी फॉलोड बाय जिसकी फाइबरस रूट्स होती है, ठीक है, क्योंकि पहले क्या होगा टैप रूट वाला क्या करेगा, वो डीप रूटेड होता है, जैसे कॉटन उगा लिया आपने पहले, देन उसके बाद आप शैलो वाला उगा लो, कि शैलो क्योंकि उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म यूज़ होगा, जो न्यूट्रिशन सॉइल में अवेलेबल है उसका प्रॉपर एंड यूनिफॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। देन क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फैमिली शुड नॉट बी ग्रोन इन सक्सेशन, बेसिकली ये पेस्ट कंट्रोल के लिए किया जाता है ऐसे, ठीक है। होता क्या है कि पेस्ट की बीमारी हो जाती है, अगर हमने एक ही क्रॉप उगा रहे हैं तो लोग पता लग जाएगा, भाई एलिमेंट ऑफ सरप्राइज नहीं रह जाएगा पेस्ट के लिए, पेस्ट बोलेंगे यार वहाँ पे तो अपना राइस ही उग रहे हैं, चलो वहाँ पे अटैक करते हैं, आपका एक फसल खराब हुई आपने फिर राइस बो दिया, अब लेकिन आपने राइस के हटा के कुछ कॉटन बो दिया, अब जो राइस वाला पेस्ट है वो बोलेगा यार ये तो अपने दिमाग से बाहर है, तो सिलेबस से बाहर है, चलो फिर यहाँ से चलो, तो वहाँ से वो चला जाएगा। तो पेस्ट कंट्रोल करने के लिए ये सब किया जाता है। तो ये बेसिकली तीन मेन प्रिंसिपल्स हैं किसके, आपके क्रॉप रोटेशन के। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक आज के लिए, फार्मिंग सिस्टम्स। देखो फार्मिंग सिस्टम को भी डिवाइड किया गया, पहले उसको मतलब व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ मॉइस्चर फॉर द क्रॉप्स, कि उसको पानी कहाँ से मिल रहा है, तो उसको भी हमने दो तरीके से डिवाइड कर दिया, भाई इरीगेटेड होगा या तो, या रेन फेड होगा, बारिश से पानी आ रहा होगा, बरानी जिसको बोलते हैं। अब रेन फेड भी जो है वो दो में डिवाइडेड है बेसिकली, आपका ड्राई लैंड एंड वेट लैंड,
दो टाइप की फार्मिंग में डिवाइडेड है, ड्राई लैंड फार्मिंग एंड वेट लैंड फार्मिंग। ठीक है, अब ड्राई लैंड फार्मिंग बेसिकली वहाँ होती है जहाँ पे सूखा होता है या जहाँ पे थोड़ी सी पानी की कमी होती है। तो वहाँ पे हम कैसे क्रॉप्स उगाएंगे, हार्डी एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप। जैसे वहाँ पे मिलेट्स बड़े अच्छे उगते हैं, वहाँ पे मिलेट्स उगाते हैं, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ये सब आपने उगा दिया। ठीक है, वेटलैंड फार्मिंग कहाँ होगी, जहाँ पे रेन अच्छी होती है, बेसिकली इतनी रेन हो जाती है कि फ्लड्स आ सकते हैं, तो वहाँ पे हम लोग राइस, जूट, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उसको उगाते हैं। ठीक है, एक्वाकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी। ओह अच्छा, ये ऊपर नीचे बोल दिया मैंने, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन हो गई आपकी रेनफेड की। ठीक है, इरीगेटेड तो वही है, आप इरीगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, है ना, आप पानी खुद ला रहे हो, कैनाल्स के थ्रू ला रहे हो या पाइप के थ्रू दे रहे हो, वो आपकी मर्जी है, तो इरीगेटेड होगा। बट देन रेनफेड के दो वर्टिकल्स हो गए, एक ड्राई लैंड एंड वेट लैंड। ड्राई लैंड जहाँ पे पानी कम होगा, वेट लैंड जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी। जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ पे ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होगी वहाँ पे वेट लैंड फार्मिंग। दोनों में जो है क्रॉप चेंज हो जाएंगे। अब बात करते हैं मार्केट फार्मिंग की, कि मार्केट कैसा है। तो उसमें भी हमने दो उसमें डिवाइड कर रखा उसको, एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कमर्शियल फार्मिंग। देखो, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि आप अपने खाने भर के लिए खेती कर रहे हैं। ठीक है, आप जो है अपने खाने भर के लिए खेती कर रहे हैं, आप उसे बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, अब हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को, मतलब जो फार्मर है वो अपने लिए या अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए फार्मिंग कर रहा है। बट देन हमने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक आपका है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक है आपका प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देखो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि बेसिकली एक स्मॉल प्लॉट होता है, ठीक है, एक छोटा सा प्लॉट है, वहीं पे जो है बेसिकली सिंपल टूल्स से, देखो जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना, वहाँ कोई बहुत बड़ा लैंड नहीं होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ दो वक्त ही आपका खाना जुगड़ जाए, उसके लिए जुगाड़ हो जाए, उसके लिए करते हैं। तो बेसिकली एक प्लॉट हुआ, वहीं पर सिंपल टूल से जो है आदमी खेती कर लेता है, तो वो हो गया आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। देन आपकी प्रीमिटिव, देखो प्रीमिटिव मतलब जो पहले प्रैक्टिस होते थे, तो ये भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या झूमिंग भी बोलते हैं। देखो, झूमिंग भी जो है अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जानी जाती है, जैसे मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जानते हैं उसे, ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं, देन इंडिया में भी उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे बेवार या धैया बोलेंगे तो मध्य प्रदेश में, देन पोडू और पेंडा बोलेंगे तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, कुमारी बोलेंगे तो वेस्टर्न घाट्स में, झारखंड में कुरुआ बोलते हैं उसको, तो ऐसे ही होता है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन ही है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप पेड़ वेड़ काटते हैं, पेड़ वेड़ काटे, उस पेड़ को जलाया आपने, जला गया, आपकी राख बन गई, ठीक है, ऐश आ गई आपके पास, उसने उसको आपने सॉइल के साथ मिक्स किया। अब देखो, राख से क्या होता है, बेसिकली वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। अब सॉइल बन गई, आपने वहाँ कल्टीवेशन कुछ उगाया, अब क्या हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी गिर गई, तो आपने उस लैंड को छोड़ा और आप कहीं और चले गए, ठीक है, वो ताकि वो दोबारा रिजुविनेट हो सके, तो वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देन प्रिमिटिंग का जो दूसरा पार्ट है वो है नोमैडिक हर्डिंग, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग में कुछ नहीं होता, बेसिकली आप जो है अपने जो लाइफ स्टॉक है उसके साथ जगह जगह मूव करते रहते हैं। देखो, सर्दियों में, गर्मियों में आप पहाड़ों पर चले जाते हैं, जो वहाँ के ग्रासलैंड्स होते हैं, अल्पाइन ग्रासलैंड्स होते हैं, आप सर्दियों में जो होते हैं वापस प्लेन्स में आ जाते हैं, बकरवाल्स होते हैं हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर के, देन गुज्जर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, नोमैडिक हर्डिंग प्रैक्टिस करते हैं। अगर हम वर्ल्ड ओवर बात करें तो बेसिकली सहारा, सेंट्रल एशिया, जो कि अरिड एंड सेमी अरिड एरियाज है, वहाँ इसको प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कमर्शियल फार्मिंग की। तो कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, बड़ा बड़ा लैंड होता है, बड़े बड़े क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, और एनिमल्स को जो है साथ में रखा जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बेसिकली अब आपने मान लिया 200 गायें रखी हुई हैं, अब गाय क्या, वो खाद दिया, खाद को आपने क्या किया कि खाद को जमा कर लिया, उससे वर्मी कंपोस्ट बना लिया, सीधा खाद को आपने खेत में डाल दिया, तो आपका क्या, मैन्योर प्रिपेयर हो गया ऑटोमेटिकली। तो बड़े फार्म्स हैं आपके पास, तो वो बड़े प्रॉफिटेबल होते हैं, सोफिस्टिकेटेड टूल्स का इस्तेमाल होता है यहाँ पे, ठीक है, मशीन्स का इस्तेमाल होता है, मिक्स फार्मिंग की जाती है, प्लांटेशन एग्री, आप इसमें भी प्लांटेशन कर सकते हो, भाई आपने रबर पॉपुलर के पेड़ लगा दिए, पता लगा 400 बीघा में, या आपने रबर का लगा दिया, टी प्लांटेशन कर ली या कॉफ़ी प्लांटेशन कर ली, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये प्रॉफिटेबल है। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब है कि आप बेचने के उद्देश्य से फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आप बेसिकली जो मैक्सिमम देखा जाता है, यही देखा जाता है कि बेसिकली
जो लोग हैं वो लाइफ स्टॉक भी साथ में रखते हैं, भाई आपने मुर्गियाँ भी पाल ली तो आप उसको जो है बेच रहे हैं, मीट का इस्तेमाल मीट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली कमर्शियल फार्मिंग भी एक अलग टाइप की फार्मिंग है जो कि मार्केट फार्मिंग के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। देन कमर्शियल फार्मिंग में ही बेसिकली मिक्स फार्म दो तीन टॉपिक्स होते हैं। एक तो आपका मिक्स फार्मिंग हो गया, ठीक है। मिक्स फार्मिंग मैंने आपको पढ़ाई दिया कि आप जो है सिर्फ खेती नहीं कर रहे हैं, आपने लाइफ स्टॉक भी रखी हुई है साथ में, ठीक है। आपने बकरियां भी रखी हुई हैं, आपने मुर्गे भी रखे हुए हैं, आप एग्स निकाल रहे हैं उसका, उसको भी बेच रहे हैं, तो मतलब बहुत कुछ कर रहे हैं। बेसिकली एडवांटेज क्या होता है मिक्स फार्मिंग का, मैं आपको बताऊं कि आपका जो बिज़नेस होता है वो एक टाइप का हाईएस्ट मतलब रिटर्न बहुत अच्छा आता है मिक्स फार्मिंग में। अच्छा, आपके पास पूरे साल वर्क है, आप खेती नहीं कर रहे हो तो आप लाइफ स्टॉक में लगे हुए हो, है ना, लाइफ स्टॉक से छूटे तो खेती कर रहे हो। देन जो आपका लैंड लेबर इक्विपमेंट है उसका अच्छा इस्तेमाल होता है, ठीक है। बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं आपको बहुत सारे, फोडर मिल जाता है, स्ट्रॉ मिल जाता है, मैन्योर मिल जाता है, सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी रहती है जिसके। देन एक चीज़ होती है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है, स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। तो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग होती है कि बेसिकली आप क्रॉप्स तो उगा रहे हो अलग अलग, बट देन एक आपका मेन क्रॉप है और जो आपकी इनकम आ रही है बेसिकली वो 50% से ज़्यादा जो है उस पर्टिकुलर क्रॉप की वजह से आ रही है, तो आप वो आपकी होगी स्पेशलाइज्ड फार्मिंग। देन एक होती है आपकी डाइवर्सिफाइड फार्मिंग। देखो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग में क्या होता है, आप बहुत कुछ एक साथ उगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कि मेन क्रॉप है और मेरी आमदनी जो है मेनली इसी से आएगी, आपकी जो आमदनी है वो अलग अलग चीज़ों से आएगी, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, और दो चार टॉपिक और देख लेंगे, तो और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF जो टॉपिक चल रहा है वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स एनी प्रॉब्लम्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर। द नोट्स हैज़ बीन गिवन ऑन दी साइट एज वेल एज द टेलीग्राम ग्रुप, यू कैन गो देयर डाउनलोड इट, एंड यू फेस एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, फील फ्री, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशंस एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स एंड वी शैल try to reply you back as soon as possible. So thank you all very much. Till then, take care. Bye-bye. See you. Keep smiling.